यूपी में पूर्वांचल पर तो अखिलेश ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया है और अब योगी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, ये तय हो चुका है। क्योंकि लड़ाई अब अखिलेश और योगी के बीच की नहीं बल्कि हाता और मठ की हो गई है। हाता यूपी के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का घर। यहाँ आते ही लोगों का पहला अभिवादन होता है बम बम शंकर, जय जय हरिशंकर। सरकार चाहे जिसकी रहे, तिवारी परिवार का दबदबा बरकरार रहा है और मठ योगी का मंदिर, योगी का घर। सीएम बनने से पहले योगी गोरखपुर के सांसद थे, मठ में रहते थे, यहाँ से पूर्वांचल की सियासत के लिए अपना फरमान सुनाते थे। आजादी के बाद से अब तक गोरखपुर की कमान मठ में ही है, तो अब पूर्वांचल की लड़ाई को एक तरह से ब्राह्मणों और ठाकुरों की लड़ाई भी समझा जा सकता है। पूरा पूर्वांचल का चुनाव अब इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि अब वार पलटवार सामने से हो रहा है। जहां योगी एक तरफ खुद के क्षत्रिय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो वहीं हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी भी खुद ब्राह्मण होने के नाते और योगी के ब्राह्मण विरोधी होने की वजह से बिल्कुल सामने आकर खड़े हैं। इसका असर ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वांचल के 80% से ज्यादा ब्राह्मण संगठन इस बार सपा को समर्थन देने जा रहे हैं और इसके सूत्रधार खुद विनय शंकर तिवारी बन गए। ऐसे में ये जानना मुश्किल नहीं है कि ब्राह्मण वोट आखिर किस तरफ जा रहा है। जहां आप समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, योगी के खिलाफ ही जा रहा है पूरा पूर्वांचल का ब्राह्मण समाज। तभी तो योगी के गढ़ से गोरखपुर शहर से ही विनय शंकर तिवारी ने योगी आदित्यनाथ के चुनाव हार जाने का दावा कर दिया है। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि पूर्वांचल और खासकर गोरखपुर का चुनाव आपके परिवार और सीएम योगी के बीच है, इसे आप कैसे देखते हैं, इस पर विनय शंकर तिवारी ने जवाब दिया था, योगी के खिलाफ जो प्रत्याशी होगा, लड़ाई उस प्रत्याशी और योगी के बीच होगी। हमें तो चिल्लू पार से प्रत्याशी चुना गया है, लेकिन साथ में विनय शंकर तिवारी ने यह भी कहा, जब प्रत्याशी वहां घोषित हो जाएगा तो स्पष्ट होगा कि चुनाव सीधा है और समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीतने जा रही है। मतलब साफ है कि योगी का पत्ता गोरखपुर शहर से भी अब साफ होने जा रहा है। दावा कर दिया है पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली के बेटे विनय शंकर तिवारी ने। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, वो कोई भी जिला हो। गोरखपुर में पार्टी 9 की 9 सीट जीतने जा रही है, 10 को तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मतलब ये लड़ाई ऐसी हो चली है कि हाता के लोग तो योगी का नाम भी नहीं लेना चाह रहे, यानी पूर्वांचल के ब्राह्मणों का योगी की तरफ कुछ ऐसा ही रवैया होगा। और उसके बाद जो अखिलेश ने ब्राह्मणों के हित में एक और बड़ा फैसला ले लिया है, उससे तो पूर्वांचल के और भी कई क्षेत्रों का पूरा वोट अखिलेश की तरफ खिसकने का इंतजाम हो गया है। अखिलेश यादव से ब्राह्मण संगठन के नेता मिले और अखिलेश को पूरे ब्राह्मण समाज के समर्थन का भरोसा दिलाया। बदले में परशुराम जयंती पर अवकाश की मांग की, ब्राह्मण आयोग के गठन की भी मांग उठाई। तो अखिलेश तो मानो ये सब देने के लिए तैयार ही बैठे थे। अखिलेश ने सरकार बनने पर ब्राह्मणों के हित में कई बड़े फैसले लेने का मन बना लिया है। ऐलान कर दिया है रामायण के कलाकारों को मानदेय देंगे, श्रवण यात्रा फिर से शुरू की जाएगी, ब्राह्मणों पर लगे फर्जी मुकदमे वापस किए जाएंगे, पुरोहितों को भी मानदेय दिया जाएगा। ये सब ब्राह्मणों के हित में किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर और योगी के राज में ब्राह्मणों के साथ क्या किया गया, वो तो खुद विनय शंकर तिवारी ने ही बता दिया। विनय शंकर तिवारी का आरोप है, प्रदेश में बीजेपी सरकार से ब्राह्मण नाराज क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में ब्राह्मणों की बड़ी भूमिका रही है और सरकार बनने के बाद सबसे पहले ऊंचाहार में उनका ही नरसंहार किया गया। लखनऊ में विवेक तिवारी और गोरखपुर में विवेक शुक्ला की हत्या की गई। इस सब के बाद एक और जो सबसे गंभीर आरोप विनय शंकर तिवारी ने बीजेपी सरकार पर लगाया वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राम मंदिर हम बना रहे हैं, उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अब तो बस ये कहना बाकी रह गया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से कहकर फैसला दिलवाया है। चुनाव आयोग या बाकी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं आज भारतीय जनता पार्टी की जेब में। ये काफी गंभीर आरोप है जो विनय शंकर तिवारी ने बीजेपी पर लगाया है। कुल मिलाकर पूरा ब्राह्मण समाज पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। ब्राह्मणों में योगी सरकार को लेकर बहुत गुस्सा और उबाल है। इस चुनाव में अगर कोई जादू ही हो जाए तो बीजेपी को जीत मिल सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला तो बीजेपी तो वैसे ही चुनाव हार चुकी है। और उसके बाद अखिलेश यादव के ब्राह्मणों के हित में जो दावे और वादे हैं, उससे भी ब्राह्मण समाज अखिलेश को वोट देने के लिए आकर्षित हुआ है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में हाता और मठ के बीच छिड़ी इस लड़ाई में जीत किसको मिलती है। वैसे आप इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी को जीतते हुए देख रहे हैं, किसके पक्ष में पूरा वोट जाते हुए देख रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।